subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. सुप्रभात बच्चों, आज हिंदी व्याकरण की जो पुस्तक आपके वर्ग में भी है उसमें से पहला पाठ भाषा विचार, इनसे संबंधित बातों के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। भाषा क्या है तो आप यदा कदा अपने घर में बैठकर अपने माता पिता से भी बातचीत करते ही होंगे, आप कुछ कहते होंगे, माता पिता आपके प्रश्नों का उत्तर देते होंगे। तो ये जो बातों का आदान प्रदान होता है यह भाषा के माध्यम से ही होता है। अब अगर हम इसको परिभाषित करते हैं, परिभाषा के रूप में लेते हैं, तो हम इसको ऐसे स्पष्ट करेंगे कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों एवं विचारों का आदान प्रदान करता है। यानी जो भी मनुष्य है वह अपने विचारों का जो आदान प्रदान करेंगे वह भाषा के माध्यम से ही करेंगे। अब हमने देखा कि यह जो आदान प्रदान करने की जो क्रिया है बातों का, उसको दो तरह से होता है। अब हम भाषा के रूप के बारे में आपको चर्चा करेंगे। तो बात को कहने या समझाने के ढंग के आधार पर भाषा के दो रूप माने जाते हैं। पहला जो रूप है उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं और दूसरा रूप लिखित भाषा कहा जाता है। अब हम इस बात को स्पष्ट करना चाहेंगे कि मौखिक भाषा क्या है। तो बच्चों, प्रायः हम घर बैठे देश विदेश से बातचीत कर लेते हैं, हमारे माता पिता सगे संबंधी एक दूसरे से घर बैठे दूर दूर तक लोगों से बातचीत कर लेते हैं। अब यह जो बात कहने और सुनने की जो क्रिया है वह हम मौखिक भाषा के अंतर्गत ही रख सकते हैं, क्योंकि हम कुछ बोलते हैं दूसरा उसे सुनता है, दूसरा कुछ बोलता है उसे हम सुनते हैं। अब आओ हम उसको जब परिभाषित करेंगे, परिभाषा देंगे कि मौखिक भाषा की परिभाषा क्या है, तो मौखिक भाषा भाषा के जिस रूप के द्वारा मनुष्य अपनी बात बोलकर दूसरों तक पहुंचाता है उसे मौखिक भाषा कहते हैं। अब दूसरा रूप जो भाषा का है वह लिखित भाषा है। लिखित भाषा भाषा के जिस रूप के द्वारा मनुष्य अपनी बात लिखकर दूसरों तक पहुंचाता है उसे लिखित भाषा कहते हैं। अब आप देखते होंगे कि बहुत सारी बातें हैं ऐसी जो आप पेपर वगैरह पढ़ते हैं वह लिखित रूप में आता है और उसे हम पढ़ करके जानकारी प्राप्त करते हैं। तो यह एक उदाहरण हुआ लिखित भाषा का। अब है कि भाषा पर और थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम कि हमारे पास और भाषा के बहुत सारे प्रकार हैं। जैसे भाषा के रूप है, भाषा जैसे हम एक भाषा है मातृभाषा, तो मातृभाषा मातृ सबसे स्पष्ट है कि माँ से होता है, माँ के बारे में जो भाषा हमें माँ सिखाती है या परिवार के लोग सिखाते हैं उस भाषा को हम मातृभाषा कहते हैं।
अब यहां पर जब इसको हम परिभाषा के रूप में आपके बीच रखेंगे तो मातृभाषा वह भाषा है जो बालक सबसे पहले अपनी मां व परिवार से सीखता है, उसे मातृभाषा कहते हैं। अब जैसे हिंदी भाषी परिवार में जन्मे बालक की मातृभाषा हिंदी होती है। अब है एक इससे आगे जब हम बढ़ते हैं तो बोली शब्द आएगा। आखिर बोली क्या है? तो बच्चों बोली खास करके एक सीमित क्षेत्र में जो प्रचलित भाषा है उसको हम लोग बोली कहते हैं। अब इसको जब हम परिभाषित करते हैं, परिभाषा के रूप में लिखते हैं, तो सीमित क्षेत्र में प्रचलित भाषा का अल्प विकसित रूप बोली कहलाता है। बच्चों अब हम व्याकरण पर नजर डालें कि व्याकरण आखिर है क्या। तो व्याकरण से संबंधित बातों की जानकारी रखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि व्याकरण आखिर हमें क्या देता है, उससे हम क्या सीखते हैं, उसका उपयोग हम कैसे करते हैं। तो बच्चों व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा किसी भाषा को शुद्ध रूप में बोलने पढ़ने व लिखने के नियमों का ज्ञान होता है। तो इस तरह व्याकरण हमें क्या दे रहा है, व्याकरण से हम क्या सीखते हैं, यह इस परिभाषा से स्पष्ट हो रहा है कि व्याकरण हमें लिखने पढ़ने और बोलने का ज्ञान कराता है। अब व्याकरण के भेदों के बारे में अगले पाठ में हम लोग चर्चा करेंगे। आज आपके लिए इतना ही है, इससे हो सके तो आप कॉपी पर नोट करने का भी प्रयास करेंगे, बार बार पढ़ने का भी प्रयास करेंगे। धन्यवाद।